guys, welcome back to my YouTube channel. This is your Love Song here. Hi guys, so happy Sunday. आज संडे है एंड मुझे पसीना आ रही है. ओके तो मेरे घर पे अभी फ्रिज आ चुकी है. अभी दिन के 1:30 बजे है तो अभी भी फ्रिज आ गई है तो मैं अभी थोड़ा लेटने वाला हूँ. या सो गाइस, मुझे ना अभी फ्रिज वालों का कॉल आया था. मैं सो रहा था, अभी उठ गया. मैं नीचे जा रहा हूँ फ्रिज देखने. ओके फाइनली घर पे आ गया फ्रिज. भैया लेके आए, थैंक यू भैया. सो गाइस, घर पे फ्रिज आ चुकी है. हेलो 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 हेलो. सो वेल, चलाने में बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि इन द सेंस मैं तो चला नहीं पाई, तो दो भैया ने मदद किया था तो उनको पैसे देने पड़ा मुझे 300 300, और रिक्शे वाले को अलग से देना पड़ा 200, क्योंकि रिक्शा वाला घर के बाहर तक रिक्शा में लेके आया और नीचे से ऊपर तक चलाने के लिए 300 300 लिया दो भैया ने, तो हो गया. हाय गाइस, सो आज संडे था. मैं मतलब सो ही गई थी पूरा दिन भर. सुबह फ्रिज आई था, उसके बाद मैं सोती गई एंड अब मैं जा रहा हूँ माइक्रोवेव लेने. गर्मी बहुत है, बहुत 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 गर्मी है. आई डोंट नो, मेरी आवाज़ अच्छी सी आ रही है क्योंकि मैंने पंखा चला के रखा है. ओके सो लेट मी टेल यू वन थिंग. मैंने उस ब्लॉग करा था उस दिन कि मैं फ्रिज खरीदने गई थी और गाइस, ओके सो लकीली आई एम सो ब्लेस्ड. मैं बहुत 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 लकी हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर ने, यू नो, न्यूयॉर्क से मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर ने ये माइक्रोवेव एंड ये फ्रिज गिफ्ट किया. यू नो दे, वो लोग चाहते थे कि वो लोग गिफ्ट करें मेरे को. सो आई डिड हैव टू बाय दिस वन. मतलब ओके, मैं कैसे समझाओ, इट्स वेरी वियर्ड, बट यस, दिस टू आर गिफ्ट फॉर माय सब्सक्राइबर फ्रॉम न्यूयॉर्क. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल द लव. सी भी बता रहा हूँ ना, आई फील सो लकी, आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. मेरे को ये पड़ा 6,000 समथिंग पड़ा एंड फॉर द फ्रिज आई गॉट दिस फॉर 13,000 समथिंग. तो थैंक यू सो मच. आई यू माइक्रोवेव, मैंने कभी लाइफ में माइक्रोवेव यूज़ नहीं किया है. सो आई डोंट नो ये कैसा होता है, कैसे यूज़ किया है. सो लेट्स सी, इसको खोलते हैं. मैं पता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू माइक्रोवेव. ऐसे करने से फ्रिज फ्रिज मिल रहा है. सबसे पहले ये है, पता नहीं इसको क्या करना है. प्लीज हेलो 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 हेलो. ओके सो मैंने स्टारबक्स मंगवाई है एंड यू नो मेरा फेवरेट स्टारबक्स ड्रिंक है जावा चिप फ्रैपुचिनो. बट आज मुझे आई वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट. मैंने स्टारबक्स में जावा चिप के अलावा और कुछ कभी ट्राई नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि आज कुछ मतलब अलग सा मंगाऊं, अलग सा ट्राई करूं. यू नो समटाइम्स हमें अलग अलग चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए, है ना. तो मैंने आज मंगवाया है वाइट मोका फ्रैपुचिनो. लेट्स सी ये कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है, देखते. ओके okay.
इतना गर्मी में ठंडा मिल जाता ना, खुशी मिलता है। ओके ओके, गुड लक। नॉट बैड। बेसिकली तुम लोग मतलब सभी का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। मैं तो कुरसान बोलता हूँ इसको, तो मैंने मंगाया है एग एंड चिकन कुरसान जो भी हो। सो दिस इज माई फर्स्ट मील ऑफ द डे। दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। आई टोल्ड यू दिन भर मैं सो के बैठी थी। तो ये चिकन एंड एग मिस कुरसान है। सो चीयर्स। ओके, मैं यहाँ से खाऊंगी। आप लोग ये मत सोचना कि मैं अकेला खा रहा हूँ। मैं नीचे गई थी, उन दोनों के लिए पनीर आइसक्रीम लेके आया। मेरे को कैसे खा रहे हैं। एंड यस, समर में अब अपने पपीज को, अपने डॉगीज को जो वनीला क्लब टॉप वन होते हैं ना, ये वाला, ये अपनी पपीज को खिला सकते हो। ये चुमचुम ने खा लिया। चुमचुम अब जैमा का खा रहे। वाई वाई मारा माशे उसको देखो ना, चुमचुम को अपना खा लिया। जैमा का खा रहे। देखो मुंह, देखो आइसक्रीम खा के। देखो जैमा सा लो आंची। अब जा जमा कर मत खाना, ठीक है? अब तो पक्का खा लो। वाय अबू, आज तो बहुत सारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। बाप रे, आपका रेंट भाड़ा कौन देता है, जैन और यू? मेरे रूम का, ये जो रूम का रेंट बोल रहे हो, ऑफ कोर्स मैं ही देता हूँ, कौन देगा? और आप कितने क्लास तक पढ़े हो? मैं सिर्फ 12 तक गया हूँ। उसके मैं कभी कॉलेज नहीं गया हूँ। आई वॉज इन द आर्मी। मैं आर्मी ज्वाइन किया था, बस मैं 12th क्लास तक मैंने पढ़ाई की है। योर हाइट एंड योर वेट। मैं लास्ट टाइम बीमार होने से पहले की बात कर रहा हूँ, तब मैं था 66 के जी था। हाँ, मैं थोड़ा मोटा हूँ, 66 के जी था। और मेरी हाइट है 5 feet। Do you see your future in India or in foreign country? Well, of course in foreign country. अगर किस्मत में रहा तो of course I would like to see myself outside India, like in Europe country for future. Who knows? पता नहीं। How did you feel when you finally started earning a very good amount of money from YouTube? Well, पहले मैं dependent था। पहले मैं I was always depending on my family, my brothers for money. But now that I have started earning my own, I feel so good. इतना दिल से अच्छा लग रहा है ना। पहले था कि जब भाई का पैसा, बाप का पैसा, फैमिली का पैसा था ना, तब ये था कि कुछ भी खरीदो, ये कुछ भी उड़ा लो। अब जब खुद कमाने लगती हूँ ना, तो एक होता है ना, 100 रुपए भी बहुत ज्यादा ऐसा लगता है ना, वो लगता है, पता है? खुद कमाते हो ना, बहुत पैसे की वैल्यू हो जाती है जब खुद से कमाने लगते है ना लोग। तो आई एम सो ग्लैड कि मैंने अपने खुद से कमाने शुरू किया है। और थैंक्स टू यू गाइस, थैंक यू सो मच
मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे YouTube से इतना मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मेरे सब्सक्राइबर से, पब्लिक से ऐसे मुझे रिस्पांस मिलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था. तो आई एम लाइक वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच. मैं हमेशा हमेशा आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता ना तो मैं हाँ कमा रही थी पहले भी, YouTube से पहले भी मैं खुद ही कमा रही थी. बट अब YouTube की वजह से आज मैं ऐसे हूँ कि मुझे मतलब समझ रहे हो ना, मुझे अपने भाइयों से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता, मेरी फैमिली से लुक सॉन्ग प्लीज डू अ मीटअप इन MT. मीटअप मेरे से कोई मिलना चाहता है? ओके आई डोंट नो. पता है मैं एक चीज बताऊं, जब मुझे जब मैं बाहर जाती हूँ एंड लोग मुझे पहचानते तो पता है मैं बहुत घबरा जाता हूँ. बट जैन बहुत कॉन्फिडेंट है बाहर में लोगों के साथ बात करने में, बट तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ क्योंकि यू नो आई हैव द इनसिक्योरिटीज कि यार इफ दे डोंट लाइक मी, यू नो मुझे ये इनसिक्योरिटी होती है कि यार मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे रियल में देख लिया, अगर उन्होंने मेरे को पसंद नहीं किया मैं बहुत गंदी दिखती हूँ, ओह शिट मैं कैसे लग रही हूँ, ऐसे इनसिक्योरिटी होती है. पता है जब मैं बाहर जाती हूँ ना कोई मुझे पहचानता है ना कि ओह दैट्स लव सॉन्ग, हाई लव सॉन्ग, तो आई गेट सो यू नो नर्वस, आई गेट इनसिक्योर, पता नहीं ऐसा हो जाता है. पता है आर यू ऑप्टिंग फॉर एनी करियर एस अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया एज इट्स नॉट परमानेंट? ओके सो अभी जो मैं हूँ ना, जो मैं करियर में बताती हूँ, आई एम अ फुल टाइम यूट्यूबर एंड आई एम नॉट अशेम ऑफ इट, क्योंकि यही से इट्स अ सोर्स ऑफ माई इनकम. तो येस फॉर द टाइम बींग, अभी मेरा मतलब पूरा लाइफ के लिए नहीं, फॉर द टाइम बींग कुछ टाइम के लिए यूट्यूब इज माई फुल टाइम करियर, फुल टाइम जॉब. एंड इन फ्यूचर अगर मेरा कुछ इन फ्यूचर इफ आई लाइक गो आउटसाइड ऑफ इंडिया तो देन मे बी मतलब अगर मैं किस्मत में हो तो अगर मैं कहीं बाहर गई इंडिया से तो आई विल ऑफकोर्स वर्क, आई विल ऑप्ट फॉर अनदर जॉब. या हाउ प्रिपेयर्ड आर यू टू स्पेंड योर लाइफ आफ्टर मैरिज विद इन लॉस? आई एम नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल. मतलब किस चीज का प्रिपेयर करना होगा? यू नो आई थिंक आफ्टर मैरिज अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंजेस एंड यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ विद देम. तो जो एडजस्टमेंट होती है दोनों साइड से होती है, फ्रॉम द बोथ साइड. अगर सिर्फ मैं अपनी तरफ से एडजस्टमेंट करूंगी फिर दैट वॉन्ट बी फेयर. तो उनको भी एडजस्ट करना होगा, मुझे भी एडजस्ट करना होगा, देन हम हैप्पी फैमिली रह पाएंगे. एंड अब प्रिपेयर की बात करो तो आई डोंट नो क्या मुझे प्रिपेयर करना होगा. अब बताओ शादी करने के बाद क्या मुझे अपने पति के घर वालों के साथ रहने के लिए कुछ प्रिपेयर करना होगा? एग्जाम देना होगा? अगर आप घर के कामों की बात कर रहे हो तो यस मैं कर लूंगी, आई एम क्वाइट गुड इन दैट. मैं लगती नहीं हूँ ऐसे शक्ल देख के, मैं लगती नहीं हूँ मैं खाना बनाती हूँ या फिर घर का काम करती हूँ, बट यस मैं करता हूँ, सो डोंट वरी. कश्मीर कब आ रहे हो? कश्मीर, अरे यार मैंने रिसेंटली कश्मीर फ्लाइज मूवी देखी थी. ओ माय गॉड मुझे इतना बुरा लगा ना, कश्मीर फ्लाइज देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए. पता है मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा दिल पूरा भारी हो गया. अच्छा नहीं लगा वो मूवी देख, ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं लगा, ऐसे जो मुझे जिसने लोग मर गए ना मुझे इतना बुरा लगा ना. पर मैं ऐसे जब मैं मूवी देखता हूँ ना, मैं मूवी के अंदर इतना घुस जाती हूँ, मैं इतना इमोशनल हो जाती हूँ. प्लीज बट यस मैं कश्मीर ज़रूर आना चाहूँगा, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. सो ऑफ कोर्स क्या पता आ जाओ एक दिन. भाई मेरा कोई पता नहीं, मैं कहीं भी चली जाऊँगी. मेरा पैर सो गया. इस YouTube only your income? I told you
मैं टिकी ऐप के साथ भी हूँ, मेरा यूट्यूब से भी आता है एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम से भी है. जब मुझे प्रमोशंस आते हैं तो या वट डू यू थिंक अबाउट टिबेटन बॉयज, हैंडसम और नॉट? ओके, अरे यार हमारे टिबेटन लड़का बहुत हैंडसम होते हैं, क्या बात कर रही हो यार. मेरी मेरी सोचने या ना सोचने किससे क्या होता है, हमारे लोग बहुत हैंडसम होते हैं. आप लोगों ने देखा ही होगा हमारे जो लड़के टिबेटन लड़के होते हैं ना, मोस्टली कोरियन जैसे दिखते हैं, बहुत गुड लुकिंग होते हैं, टॉल एंड ड्रेस भी बहुत अच्छे होते हैं. मोस्ट ऑफ द भूटानीज वॉच योर व्लॉग, वेरी एंटरटेनिंग, always waiting for your love, Bhutan. Thank you so much. अरे यार मैं पक्का होगी, अब तो मैं भूटान पक्का होगी. पता है मुझे मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा कि अलग इतने दूर दूर से भी लोग देखते हैं मुझे. मैं तो इंडिया में रहता हूँ, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, पर दिल्ली से बाहर, इंडिया से बाहर भी लोग, इतने दूर दूर से भी लोग मुझे देखते हैं. Is your monthly income enough for your monthly expenses? Of course it's enough. See, अगर आप enough की बात करोगे ना, तो मैं सिर्फ अपनी नहीं बात करूंगा, ह्यूमन आर वेरी ग्रीडी, इट्स नेवर इनफ फॉर anyone. अगर तो मुझे enough, अगर मेरे पास, अगर मैं 50 भी कमाती होगी ना, अगर मैं खुद से कंट्रोल नहीं करूंगा तब भी मेरे लिए काफी नहीं होगा. मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा, मैंने कभी किसी के लिए इनफ इनफ का वर्ड जो होता है ना, वो खुद से कंट्रोल करनी होती है, खुद से मैनेज करना होता है एक्सपेंस. इनफ किसी के लिए नहीं होते कभी भी, पैसे तो कभी भी किसी के लिए इनफ होता ही नहीं है, आते ही चाहिए और चाहिए और चाहिए, ग्रीटीनेस होती है. तो ये होता है ना कि खुद से मैनेज करना होता है. अगर मैं 50 मंथली में, अगर मैं पर मंथ में 50,000 भी कमाऊंगी ना, तो मुझे वो ना खुद से मैनेज करनी होगी कि हाँ ये ओके 50,000 में से मैं 10,000 अपने मुझे घर रेंट देना है, 5,000 ये घर का खाना वाना बिजली का रेंट देना है, और ये 5,000 के चुंगा और जैमा का खाना के लिए, ये वो इंजेक्शन के लिए है. तो एक होता ना, और ये 5,000 मैं अपनी सेविंग अकाउंट डालूंगी, तो ये खुद से मैनेज करना होता है. इनफ मत बोलना. अगर आप लोग मुझे पूछो कि आपको कितना चाहिए, मैं तो बोल दूंगी भाई 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000. ग्रीडीनेस जो है ना, वो कभी खत्म नहीं होती है. तो खुद से, आर यू गाइस सेविंग मनी टुगेदर? नहीं नहीं नहीं, जैन और मैं, हम मनी पैसे तो सेव नहीं करते साथ में. मैं अपना खुद का पैसे सेव अलग से करती हूँ. वैसे कभी पैसे की बात ही नहीं की जैन और मैंने कभी साथ में. मैंने कभी जैन से पूछा भी नहीं कि तुम्हारा यूट्यूब से कितना पैसे आ रहा है, या फिर तुम्हारे काम से कितने पैसे. सो आई नेवर आस्क्ड यू नो अबाउट मनी थिंग्स, मनी रिलेटेड कभी मैंने उसको पूछा भी नहीं, बिकॉज इट्स वेरी वियर्ड फॉर मी. उसका खुद का अलग से वो है, तो मैं आई डोंट गो इन टू दैट. और ना ही मतलब हम पैसे साथ में सेव नहीं करते, मैं सेव करती हूँ. मैं अपने फ्यूचर के लिए अलग से पैसे सेव करती हूँ मंथली. या आई डो दैट. मैं ऐसे मैं शक्ल देख के, मैं बहुत बुरी लड़की लगती हूँ ना, मुझे पता है. मैं शक्ल देख के मैं लगता हुआ तुम लोगों को लव सॉन्ग तो बहुत बुरी है, ये तो बात ऐसी है वैसी है, पर मैं सेव करता हूँ. मैं क्या है, मैं बहुत सेव करता हूँ पैसा. ओके एंड आज बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, क्या है तुम लोग इतना सारे क्वेश्चन क्यों पूछते हो? Lots of love from Nepal. Please visit Nepal once. अरे यार इधर बुलाते हैं लोग, इधर बुलाते हैं, इधर इधर बुलाते हैं, मैं सब जगह आऊंगी यार. Thank you so much, Nepal. Love you. Okay, where are you thinking to shift now? अभी I'm not sure. अभी मैं देख ही रहा हूँ जगह. अभी shift करूंगी ना, फिर उसके बाद कभी shift नहीं करूंगी. अभी मैं जहाँ देख रहा हूँ ना, मैं थोड़ा घर बड़ा देख रहा हूँ, क्योंकि ये घर भी अब छोटा पड़ गया है. मुझे थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए, क्योंकि मुझे बेसिकली एक रूम ऐसा चाहिए जो मैं इन दोनों का रूम रख सकूं. मुझे थोड़ा बड़ा रूम चाहिए, एक रूम मेरे लिए, एक रूम इन दोनों के लिए. मेरे दो बच्चे हैं ना, तो दोनों ऐसे घूमे
जो भी हो, एक रूम इन दोनों के लिए मुझे अलग से चाहिए और मुझे बैल्कनी भी चाहिए। सो मैं थोड़ा सा बड़ा रूम देख रहा हूँ और एक रूम में अपने सारा सामान कपड़ा वपड़ा वो रख सकूँ। या तो मैं इसी महीना शिफ्ट करूंगी, इसी महीना मैं अभी रूम ढूंढ ही रहा हूँ। मैं शायद कल रूम देखने जाऊंगी, मेरे दोस्त ने एक रूम देख रखा है तो मैं वो देखने जा रही हूँ, तो मैं इसी महीना शिफ्ट करूंगी। यस एंड पक्का अब इस बार रूम शिफ्ट करने के बाद आप लोगों को रूम टूर जरूर करूंगी मैं, आई प्रॉमिस प्रॉमिस। डियर लोपसम, आपको पेंशन मिलती है या नहीं? ओके सो यस आई वॉज इन द आर्मी बिफोर, पर नहीं मुझे पेंशन नहीं मिलती है। पेंशन आपको तब मिलेगी जब आप 15 साल से ज्यादा रहा हो आर्मी में, बट मैं सिर्फ 6 साल रहा था सो नहीं मुझे पेंशन नहीं मिलती है आर्मी से। डिड जैन गिव यू अ बर्थडे गिफ्ट? मेरे बर्थडे पे नहीं, गिफ्ट तो कुछ भी नहीं दिया, बट यस आई एम थैंकफुल दैट एटलीस्ट ही केम टू शीजा, उसने अपना टाइम निकाल के मेरे मुलगोट पे आया। दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। तो इट्स ओके, मैंने गिफ्ट तो दिया नहीं है, हर साल तो दिया, 3 साल हो गए, 3 साल में कुछ भी नहीं दिया, अभी क्या देगा वो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। सबसे पहले है चुंगचुंग, चुंगचुंग ही इज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ। नेक्स्ट माई फादर, यस आई डोंट टॉक अबाउट माई फादर मच क्योंकि जस्ट यू नो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम, बट ही इज वेरी इम्पॉर्टेंट, ही इज इम्पॉर्टेंट। ओके एंड देन द थर्ड पर्सन विच इज इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ इज माई सेल्फ। आप लोग कुछ भी सोच लो कि लोग सो सेल्फ ऑब्सेस्ड, नो समटाइम्स यू हैव टू लव योर सेल्फ ऑल्सो। तो मेरी पूरी फैमिली देख रहा होगा, आई एम श्योर माई फैमिली मेम्बर्स आर ऑल्सो वॉचिंग दिस, बट आई लव यू ऑल, यू ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। बट बेसिकली अगर थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन की बात होगी तो सबसे पहले चुंगचुंग होगा। ये चुंगचुंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पता नहीं आप लोग ये बात समझोगे कि नहीं समझोगे, आई डोंट नो इफ यू गाइस विल अंडरस्टैंड दिस, बट चुंगचुंग इज माय फर्स्ट बेबी, मेरा पहला बच्चा है चुंगचुंग, तो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ चुंगचुंग से। एंड देन नेक्स्ट माई फादर एंड देन माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने ऊपर किसी और को जाने नहीं दूंगी, इन द सेंस मतलब आई लव माई सेल्फ। या ओके गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, वेल इतना सारा क्वेश्चन पूछा है ना लोगों ने, मतलब यू गाइस आर एक्टिव ऑन माय इंस्टाग्राम आल्सो, दैट्स गुड, दैट्स अ गुड साइन, थैंक यू सो मच। एंड अगेन अगर आप लोगों को और क्वेश्चन पूछना है तो मैं कल डालूंगी इंस्टाग्राम स्टोरी पे आस्क मी अ क्वेश्चन, तो आप लोग मुझे तब क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं कल की व्लॉग पे मैं बनाऊंगा आंसर दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, मैं कितनी बार बोलती हूँ ये बात। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। एंड गाइज वंस अगेन आई वांट टू थैंक टू माई न्यूयॉर्क सब्सक्राइबर, शी इज फ्रॉम नेपाल, वन ऑफ देम इज फ्रॉम नेपाल, एंड थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट फ्रिज एंड माइक्रोवेव। मेरे पैसे सेव हो गए, अब मैं वो अपनी सेविंग में डालूंगा। यस आई हैव अ सेविंग। ओके थैंक यू अगेन फॉर द ब्यूटिफुल गिफ्ट, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये, एंड आई डोंट नो व्हाट आई डिड, यू नो मैंने मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया कि मुझे इतना अच्छा ये सब डिजर्व करता हूँ कि नहीं करता, मुझे नहीं पता कि मेरे एकदम से मेरी किस्मत कैसे चमक गई। पहले एक टाइम था, मैंने बहुत बुरी हालत थी पहले के टाइम की बात कर रही हूँ, पीपल डोंट यूज टू लाइक मी, एक टाइम था मैंने बहुत बुरा हालत था, बट अब ए टाइम है कि लोग मुझे पसंद करते हैं एंड मुझे इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ओके दैट्स इट फॉर टुडे, आज संडे भी खत्म हो गया है, सो टुमारो इज मंडे, एंड चुंग चुंग से बाय टू माई फॉलोअर्स, कम हियर, शो हमारा बाय लगते शो, शो 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 शो।
तुमको बाय बोल दो, तुम दोनों बाय बोल दो, इधर आओ। सो गाइस बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। एंड मैं और मेरे दोनों बच्चों की तरफ से थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, दैट्स इट, बाय बाय। ओए बाय बोलो जेमा, मैं मुंह बाय लव बाय लव बाय लव कौन सा मतलब बाय लव चुंग चुंग बाय लव सामला बाय लव सामन बाय लव डली उधर उधर देखो। ये मैं I'm a proud mother of two baby. उधर चुंग चुंग कहाँ जेमल ना देश कहाँ छोड़ दी चुंग चुंग फिर कैमरा लेते डाले कैमरा शायद चुंग चुंग कैमरा लेते डाले कैमरा ला मैं मेरे दो बच्चे